जय हिंद साथियों, जम्मू के आरएसपुरा के जिंदल महलू के रहने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट शहीद लेफ्टिनेंट फ्लाइट अद्वितीय बल का पार्थिव शरीर सेना के विशेष वाहन से उनके पैतृक गांव की ओर रवाना किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हजारों हजार लोग उनके पैतृक गांव में उनके पार्थिव का इंतजार कर रहे हैं। वह हाथ में पुष्प लिए शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए हजार लोग उनके पैतृक गाँव में उमड़ पड़े हैं। आपको बता दें कि गत रात्रि बाड़मेर में हुए MiG-21 क्रैश में मातृभूमि के लाल वीरगति को प्राप्त हुए हैं। जम्मू के आरएसपुरा के गांव जिंदल महलू के रहने वाले लेफ्टिनेंट फ्लाइट अद्वितीय बल जो बाड़मेर में विमान क्रैश में वीरगति को प्राप्त हुए हैं, इनका पार्थिव शरीर सेना के विशेष वाहन से इनके पैतृक गांव की ओर रवाना किया जा चुका है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय से इनके पार्थिव को इनके पैतृक गांव भेजा जा रहा है। पैतृक गांव में हजारों हजार लोग अपने लाल के अंतिम दर्शन को उमड़ चुके हैं और वहीं शासन प्रशासन के लोग भी अंतिम विदाई में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बाड़मेर में हुए मिग क्रैश में मातृभूमि के दो लाल वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनमें शामिल जम्मू के रहने वाले लेफ्टिनेंट फ्लाइट अद्वितीय बल जो भारत माता की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं, इनका पार्थिव शरीर इनके पैतृक निवास स्थान की ओर भेजा जा रहा है। साथियों, जब शहादत की सूचना परिजनों को मिली तब से घर में कोहराम मचा हुआ है और इनके माता जी के आंसू नहीं थम रहे हैं। वहीं रो रो के उनका बुरा हाल हो रहा है और वे अपने लाल के अंतिम दर्शन को इंतजार कर रही हैं और आज इनका पार्थिव शरीर इनके पैतृक निवास स्थान भेजा गया है। कुछ ही देर में इनका पार्थिव शरीर इनके निवास स्थान लाया जाएगा, जहां पूरे राज्य के सम्मान के साथ इनके पार्थिव को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। वहीं शासन प्रशासन की ओर से पुष्प चक्र अर्पित किए जाएंगे। जय हिंद।